हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है, वो है 1.5 मीटर, और वाइट फैब्रिक हमने लिया है 1/2 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 11 इंचीस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5 इंचीस। यहाँ से आर्म होल की लंबाई हमें लेनी है 5.5 इंचीस। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचीस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचीस एक्स्ट्रा लेना है। कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 7 इंचीस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हमें लेनी है। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचीस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 5 इंचीस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 2 इंचीस लेना है और नेक की लंबाई हम लेंगे 3.5 इंचीस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने सिंगल इस तरह फैब्रिक को सिंगल बिछाया है। अब इसे हम 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह 2 फोल्ड करने के बाद और एक बार फोल्ड करेंगे सेंटर में से। इस तरह 4 फोल्ड हमने कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कमर की चौड़ाई लेनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे टॉप का पार्ट लिया है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है और दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। और राउंड शेप देते हुए इसे मार्क कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे 13 इंचीस। राउंड शेप में हमें 13 इंचीस मार्क करके जाना है। इस तरह हमें 13 इंचीस मार्क कर लेना है। मार्क हो जाने के बाद इससे हम कट कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट को इस तरह ओपन करेंगे और दोनों तरफ फोल्डिंग है, इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह 2 लेयर हमने कट कर लिया है। अब टॉप का पार्ट हमने लिया है, फ्रंट का टॉप पार्ट। इसे 2 फोल्ड करेंगे। शोल्डर से नीचे हमें 4 इंच पे मार्क करना है आर्म होल के सेंटर में, और इस तरफ हमें 3 इंच पे मार्क करना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। सेंटर वाला पार्ट को ओपन करेंगे और इस तरह 2 लेयर हमने, साइड वाले 2 लेयर हमने कट कर लिए हैं। अब सेंटर वाले पार्ट के इस बॉर्डर पे हमें पाइपिंग बनानी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है जो हमने क्रॉस में काटी है, जिसकी चौड़ाई है 1 इंचीस। इस स्ट्रिप को इस बॉर्डर पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे।
दोनों तरफ हमें इसी तरह पाइपिंग बनानी है। सेंटर में इस तरह पाइपिंग बनाने के बाद हम नेक पे स्ट्रिप अटैच करेंगे। इसके लिए भी हमने स्ट्रिप को क्रॉस में काटी है, उसे नेक के राइट साइड से अटैच कर लेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट में इस तरह स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्ट में नेक रेडी कर लिया है और फ्रंट पार्ट के इस दोनों बॉर्डर पे पाइपिंग बना ली है। अब इसके साथ यह पीस को अटैच करेंगे इस तरह, इसके नीचे रख के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। दोनों पीस को इस तरह अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट को मिला के शोल्डर को जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट की शोल्डर हमने जोड़ लिया है। अब आर्म होल में स्ट्रिप अटैच करेंगे। आर्म होल के लिए भी हमने क्रॉस में काटी है स्ट्रिप को, इसे राइट साइड से आर्म होल में अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसके बाद टॉप पार्ट के साथ हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को हमें अटैच कर लेना है। आर्म होल में हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है और टॉप बॉटम को भी हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रॉक का फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें फिटिंग कर लेना है। इसे दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह हमने इस फ्रॉक को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब फ्रॉक के नीचे के बॉर्डर पे भी हमें बड़ी पाइपिंग बनानी है। इसके लिए भी हमने यहाँ पे स्ट्रिप काटी है जिसकी चौड़ाई है 1 इंचिस। स्ट्रिप को इस बॉर्डर पे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके इसे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारा यह फ्रॉक रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।